दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में जो बात हम करने जा रहे हैं वो दरअसल एक विज्ञापन के बारे में है जो 17 सितंबर की डेट पे अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से। ये एक भर्ती विज्ञापन है और इसमें बात की गई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों के अंतर्गत सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बारे में। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता जैसे कुछ पदों की जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और ये एक शासन के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसमें अलग अलग ब्रांच में अलग अलग रिक्तियाँ बताई गई हैं। कंपनी का नाम ट्रांसमिशन बताया गया है पहले ग्रेड में, जो कि सहायक अभियंता के पद हैं। इसमें जो पद हैं कुल मिलाकर के 52 पदों को बताया गया है रिक्तियों के रूप में और कनिष्ठ अभियंता के लिए 118 पद बताए गए हैं। ये जो 118 पद हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये 118 पद अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। इसमें मुक्त है, महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, ये तीनों को जोड़ के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे कैटेगरीज को जोड़ने के बाद 118 पदों को यहाँ पर निर्मित करके बताया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है और जनरेशन में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के लिए जो टोटल पद हैं वो 226 बताए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 226 और 118 पद हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। और ऊपर हमने बात की थी 52 पदों की, ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ इन दोनों को तो 346 का टोटल बनता है। 145 अनारक्षित हैं, 53 जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जनजाति के 82 पद हैं, 66 पद OBC के लिए हैं। तो मित्रों ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग ये पोस्टिंग होनी है। इसके बाद मैकेनिकल में 2 पद बताया है, सिविल में 24 पद बताया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें 5 पद बताए हैं। ये 2 पद यहाँ हैं, 24 पद यहाँ हैं और 5 पद यहाँ हैं। तो इस तरह से अगर आप पदों की संख्या का सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको इस चार्ट के माध्यम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद इस पे कुछ नोट जो नीचे लिखा गया है वो आपके लिए और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम आइए उसको समझते हैं। विज्ञापन के साथ ये बात नीचे लिखी हुई है कि उपरोक्त पदों का वेतनमान, भर्ती के लिए वांछित अर्हता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए पावर कंपनी की वेबसाइट csp.co.in एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट का अवलोकन करें। यह नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय एवं नई दिल्ली के SLP क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन है। तो अब आपको ये दोनों वेबसाइट को खंगालना पड़ेगा। आज सुबह की स्थिति पे जब मैंने व्यापम की वेबसाइट खोली है तब ये मुझे विज्ञापन नहीं दिखा है, हो सकता है देर शाम या कल तक ये विज्ञापन वेबसाइट पे आ जाए और इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का वेबसाइट मैं ठीक से अभी नहीं खोज पाया हूँ, हो सकता है वहाँ पर ये विज्ञापन हो, तो आप इसे खोज कर देख सकते हैं। वहाँ पर जो जानकारी आई है और ये ऑथेंटिक जानकारी इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि ये शासकीय विज्ञापन के रूप में आया है, तो मैं इसे पूरी तरह से सही मान करके इस लगभग जो 500 के आसपास पद का सृजन हुआ है CSEB में या कि CSPDCL में उसे आपके लिए जानकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे ही इसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पे आएगा हम उसका एक और वीडियो बनाएंगे और फिर आपके साथ उस पर पूरे डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, क्या उसकी एज लिमिट होगी, इन सारी बातों को लेकर हम एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।